तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की बड़ी बजट और धमाकेदार अपकमिंग मूवीज के बारे में। तो दोस्तों, बात करें बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अक्षय कुमार साल में 4 से 5 मूवी बॉक्स ऑफिस पर लाते हैं। कुछ मूवी अच्छी कमाई कर जाती है और कुछ मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज हैं, पहला कठपुतली, जिसको रंजीत तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। अगली मूवी है राम सेतु, जिसके डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा। तीसरी अपकमिंग मूवी है गोरखा। चौथी अपकमिंग मूवी है कैप्सूल गिल। वहीं पांचवी अपकमिंग मूवी है ओह माय गॉड 2। वहीं छठवीं मूवी है सेल्फी। सातवीं मूवी है हेरा फेरी 3। और आठवीं मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। वहीं नौवीं मूवी है 2XL। और दसवीं मूवी है राउडी राठौड़। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की बैक टू बैक 10 मूवीज आपको बॉक्स ऑफिस में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें सलमान की, तो सलमान भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। सलमान की कभी ईद कभी दिवाली, टाइगर जिंदा है 3, नो एंट्री में एंट्री, किक 2 जैसे कई बड़ी बजट वाली मूवी आपको थिएटर में आने वाले साल में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान की। तो आपको बता दूं, शाहरुख की अपकमिंग मूवीज हैं डंकी, जिसे राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं शाहरुख की डॉन 3 और धूम 4 भी अगले आने वाले साल में बॉक्स ऑफिस में धूम मचाने को तैयार है। तो वहीं शाहरुख पठान और जवान, दो बड़ी बजट वाली मूवी, जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर लाने वाले हैं। अब बात करते हैं वरुण धवन की। तो आपको बता दें, वरुण धवन की मूवी बवाल, रणभूमि 21 और भेड़िया जैसी बड़ी मूवी आपको आने वाले साल यानी 2023 में देखने को मिलेगा। वहीं रणबीर कपूर की डेविल, एनिमल और अंदाज अपना अपना 2 जैसे मल्टी स्टारर मूवी आपको अगले साल देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें शाहिद कपूर की, तो शाहिद की फर्जी और ब्लडी डैडी जैसी बॉक्स ऑफिस पर मूवी जो है धूम मचाने को तैयार है।